नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है मैरिटल रेप पर, यानी वैवाहिक बलात्कार पर। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। पीआईएल लगाई गई थी महिला संगठनों द्वारा। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि महिला संगठन परिवार तोड़ने की ही पीआईएल लगाते हैं। ठीक है मित्रों, मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, एक कंसेप्ट दिया गया है महिलावादियों द्वारा। ठीक है, वैवाहिक बलात्कार कि पति पर भी पत्नी के बलात्कार का केस लगाया जाए। ठीक है, हो सकता है भविष्य में मैरिटल मोलेस्टेशन भी आए, वैवाहिक छेड़खानी कि जो है पत्नी कहे कि मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरे पति ने मुझे सीटी मारी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इन फ्यूचर ऐसा भी कुछ आए। कोई भरोसा नहीं है महिलावादियों का। तो पहले मैरिटल रेप क्या होता है इस पर चर्चा करो, उसके पहले ये बता दो जजमेंट क्या दिया गया है। जजमेंट दोस्तों, इसमें दो जजों की बेंच थी, जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी हरिशंकर, ये दो जज थे। इन्होंने जजमेंट दिया जिसमें कि राजीव शकधर ने ये कहा कि मैरिटल रेप जो है इस पर कानून बनना चाहिए और धारा 376 में जो दे के रखा है, एक्सेप्शन दे के रखा है, उसको हटा दिया जाना चाहिए और इसके तहत कानून बनना चाहिए, पति कोई बलात्कारी माना जाना चाहिए। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने जवाब ने अपना जजमेंट दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ और ये जो कानून है ये संवैधानिक है। ठीक है, मैरिटल रेप कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल 20 का वायलेशन भी करेगा। ठीक है, तो दोनों के जजमेंट अलग अलग थे, यही कारण है कि इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई और आई ये इसके तहत अभी तक इसमें जो जजमेंट आज निकल के आया है इसमें कुछ भी खास चीज़ देखने को नहीं मिली। दो जजों की बेंच थी, एक उसके पक्ष में थे एक खिलाफ थे, तो सीधी सी बात है एक तरीके से ड्रॉ हो गया मुकाबला। ठीक है, अब इन फ्यूचर देखते हैं बात कहाँ जाएगी, तो अब भविष्य ही जाने कि कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन सिंपल सी बात है दोस्तों, किस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में क्रिएट की जाती हैं, आप जरा ये सोचिए। कहते हैं कि पति जबरदस्ती करता है ऐसा वैसा, मुझे ये बताइए कि है ना, अगर एक कमरे में पति जो है वो, अगर पति पत्नी में सहमति से कुछ हो रहा है और बाद में पत्नी जो है कोर्ट चली जाए, तो ये जो इसका दूसरा पहलू है कि पति अपनी बेगुनाही साबित कैसे करेगा। हमेशा एक पक्ष की ही चर्चा करके कानून क्यों बनाया जाता है, दूसरे पक्ष का क्या। चलिए आपने कहा कि पति जबरदस्ती करता ऐसा है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि जिसमें कि पति बेकसूर, क्योंकि जैसे कि हमने 498 में देखा, पॉस्को में देखा, डोमेस्टिक वायलेंस में देखा, बलात्कार के जो कानून बने उसमें देखा, छेड़खानी कानूनों में देखा, सभी में 90% मामले फर्जी हैं। तो यहाँ तो 100% फर्जी हो जाएंगे, ये बड़ा कॉमन धारा बन जाएगी। और जो आपने कहा कि पत्नी पर जुल्म होता है, लेकिन दूसरा पहलू ये कि पति साबित कैसे करे कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बंद कमरे में कैमरा लगाएंगे क्या? मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ, पति पर बलात्कार का केस इसलिए नहीं बन सकता है, कॉमन सेंस की बात है कि बलात्कार का एक्चुअल मतलब होता है दुष्कर्म करना, किसी महिला की इज्जत लूटना। तो पति अपनी पत्नी की इज्जत लूटे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उनमें संबंध बने वो ठीक है, लेकिन उसको इज्जत लूटना थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ, अगर वो जबरदस्ती कुछ करता तो उसको हिंसा कहा जा सकता है, जिसका प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस में दे के रखा है, 498A में भी दे के रखा है, लेकिन इसको इज्जत लूटना या दुष्कर्म का नाम तो नहीं दिया जा सकता ना। तो जब इसको इज्जत लूटना या दुष्कर्म का नाम नहीं दिया जा सकता तो फिर ये बलात्कार भी तो नहीं हुआ ना। हालांकि जो बलात्कार शब्द है इसका मतलब कुछ और होता है, बलात्कार का मतलब होता है बलपूर्वक किया गया कार्य। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपका पर्स आपसे छीन ले और भाग जाए, इसको ही बलात्कार कहेंगे। बलात्कार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बलपूर्वक किया गया कार्य, कोई सा भी कार्य बलपूर्वक किया गया, कोई आपकी प्रॉपर्टी छीन ले, ये भी बलात्कार है। लेकिन हमारे जनरली ये शब्द जो है ये रेप यानी दुष्कर्म के मामले में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज जो बलात्कार का एक्चुअल मतलब होता है किसी महिला की अस्मत लूटना, इज्जत लूटना है, दुष्कर्म करना उसके साथ। तो पति व दुष्कर्म केस का थोड़ी बन सकता है, वो आपका हस्बैंड है, उसको हिंसा बोल सकते हैं अगर वो जोर जबरदस्ती करता है तो, लेकिन इसको दुष्कर्म का नाम नहीं दे सकते आप, किसी भी तरीके से दुष्कर्म नहीं हो सकता। इसीलिए इस तरह के कानूनों की हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसके लिए पहले से लॉ है। डोमेस्टिक वायलेंस में भी यौन हिंसा का जिक्र है, 498A में भी जो यौन हिंसा का जिक्र है, अलग से कानून क्यों बनाया जा रहा है?
क्योंकि अलग से कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि 498 को जिस तरीके से भारतीय न्यायपालिका ने मिसयूज होने पर धराशायी कर दिया, तो जो महिलावादी हैं इनकी दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। अब ये चाहती है कि हमारी दुकान फिर से चले, फिर से कोई ऐसा कानून आया जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, पति परेशान हो, तो हमारी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों कि फिर से जो है एक अलग तरह के कानून की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन इसमें उस पहलू की बात तो की ही नहीं जा रही है कि अगर वो बेकसूर निकला तो क्या महिला को क्या दंड मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो बेकसूर निकला, वो घर के अंदर है, वो अपनी बेगुनाही साबित कैसे करेगा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं किया। इन इन सब बातों पर कोई चर्चा नहीं, बस एक तरफा बातें की जा रही हैं। तो ऐसे कानूनों की जब भी बात हो तो इन कानूनों का खुलकर विरोध करना सीखें। अगर आप इनका विरोध नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर ये सड़े गले कानून ये महिलाएं बनवाएंगी, ठीक है, और इससे परिवार और टूटे, क्योंकि ये एक धंधा बन चुका है आजकल। विवाह जो है कहीं ना कहीं स्त्री समुदाय के लिए एक बिजनेस है। आप फैमिली कोर्ट जाइए, वहाँ वो लगती है बोली लड़कियों की, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत है कि महिलाओं की वो लगती है बोली, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो खैर जो जजमेंट आया है कहीं ना कहीं एक अच्छा जजमेंट है, ठीक है। अभी इस पर कोई संभावना नहीं बन रही है कि कोई क्या कहते हैं नया कानून आएगा, और आप जितना विरोध करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अधिक से अधिक लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि समाज जागरूक बन सके, ठीक है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।